हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पाइपी पंप में जो है ये बम्पर स्क्रू का क्या फंक्शन होता है। क्योंकि बम्पर स्क्रू का काम होता है कि अगर जैसे कभी होता क्या है कि इंजन का आरपीएम अगर अप डाउन करने लगता है तो उस केस में जो है हम ये बम्पर स्क्रू के द्वारा ही उसको सेट करते हैं। जैसे और कंपनी जैसे कमिंस में होता क्या कि हंटिंग करता है तो उसको हम ईएफए कंट्रोलर के करते हैं। देखिए इसमें ये एक ऊपर है, ऊपर जो है आइडल स्क्रू का होता है, नीचे ये देखिए जहाँ दो नंबर है ये बम्पर स्क्रू है, इसके ऊपर कैप लगा रहता है। ये देखिए ये आइडल स्क्रू है क्योंकि ये फैक्ट्री सेटिंग होता है। इसको जो है स्टैंड पे जब सेट कर दिया जाए इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ना इसको कोई सेट किया जाए। और ये देखिए ये जो है बम्पर स्क्रू जो है हम उसको खोलते हैं, नट को ऊपर का कैप जो है उसको खोलते हैं, फिर ये बम्पर स्क्रू के नट को जो है हम हल्का सा लूज कर देते हैं। लूज करने के बाद जो है आगे देखिए ये जो स्क्रू है ये स्क्रू के द्वारा ही जो है हम इसको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, कभी क्लाक वाइज और कभी एंटी क्लाक वाइज करके जो है जो हमारा आरपीएम अप डाउन करता है उसी के थ्रू जो है हम इसको सेट करते हैं। तो इसीलिए पंपिंग स्क्रू का यही एक काम होता है, क्योंकि इसमें इसके द्वारा जो है हंटिंग होने लगा है उसी को हम सेट करते हैं कि आरपीएम हमारा अप डाउन नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी या फ्रेंडों को भी इसको जो है शेयर करें। थैंक यू।